सतना लोकसभा के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज बीएसपी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने अपने जिला कार्यालय का लोकार्पण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और सांसद गणेश सिंह के 4 साल के वहीं पर आप यदि देखा जाए तो 4 पंचवर्षीय के विकास कार्यों का हिसाब भी मांगा। इतना ही नहीं, नारायण त्रिपाठी ने सांसद को सांसदीय कार्यकाल में अर्जित संपत्ति की जांच की मांग तक कर डाली और कहा कि वो चुनाव जीते तो सांसद की संपत्ति की ईडी से जांच करवाएंगे। बीएसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आज कार्यालय में बीएसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का दावा किया और सांसद गणेश सिंह पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। नारायण त्रिपाठी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बेचारे शब्द से संबोधित किया और कहा कि वो अपने स्वभाव के विपरीत मुझे धमकी दी थी, पर मेरे पास कोई ऐसा काम धंधा नहीं जिससे मैं डरता। मैंने मैहर जिला बनाने का पूरा जोर लगाया और मैहर जिला बना। अलग बिन प्रदेश की मांग को लेकर अलग पार्टी तक बनाई और अब मायावती से प्रभावित होकर बीएसपी में आया। मायावती जी छोटे प्रदेश की पक्षधर है और अब बीएसपी ही उनका ठिकाना है। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति और धंधा करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि रामलला का मंदिर निर्माण का श्रेय लेकर बीजेपी वोट मांग रही है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट की उपेक्षा कर रही है, उन्हें चित्रकूट की दुर्दशा नहीं दिख रही। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह से सांसदी के 20 साल का हिसाब मांगा और कहा कि अपनी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए, वहीं पर उनकी संपत्ति की जाँच भी करवाएंगे। वो सांसद बने तो ईडी से उनके बेतहाशा संपत्ति की जांच कराएंगे। विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। नारायण त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी जैसे दल चट्टान दिल्ली तक के मुखिया दल बना के भय बना के भोपाल भोपाल के नेताओं की हैसियत नहीं रही कि हमसे कोई बात करे, इसलिए ये सब झूठे लोग हैं। भोपाल में धमकी दी गई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक बार धमकी दिया मुझे, नारायण जी ऐसे बंद कर दो, मेरे ऊपर दबाव है, नहीं मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि बड़ी कार्रवाई कर दूंगा। मैं उनको बोल के आया था कि आप अपने स्वभाव के विपरीत मुझे धमकी दे रहे हैं। शिवराज जी का स्वभाव नहीं था बिचारे का, शिवराज जी का स्वभाव ही नहीं था धमकी देना। मैं कहा आप अपने स्वभाव के विपरीत धमकी दे रहे हैं, और मैं बोला था कि मैं कोई बनिया व्यापारी नेता नहीं हूं कि मुझे आप धमकी दे सकूं। ना मैं खदान चलाता, ना मैं ट्रक चलाता, मेरा कोई कारोबार है मध्य प्रदेश की धरती में, 1 रुपए का मेरा कोई धंधा व्यापार नहीं है कि कोई मेरी सरकार कुछ कर ले। न मैं सरकार से डरता, न सरकार का भय खाता, न मुझे नीति का डर। और मैं जानता हूं इनके पास का जब कभी कुछ होता तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था और कभी भी कुछ ये कर सकते हैं। राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करने वाले जो राम को धोखा देते हैं उनसे टकराने की क्षमता हमारे पास है। राम का जन्म अयोध्या में सिर्फ जन्म हुआ है, पर राम जब हमारे चित्रकूट में बिंदु क्षेत्र के चित्रकूट में आए, 14 साल के वनवास के बाद राम भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, तो वह चित्रकूट उपेक्षित है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ, 17 सांसद जो 4-4 बार जो आज चुनाव में बोलते हैं शस्त्र और अस्त्र से वोट ले लेंगे, शस्त्र और अस्त्र से वोट लेने का बात करते हैं, धिक्कार है सीनियर लीडर जो आज के दौर में अपने कर्मों पर वोट नहीं मांगते। हम तो अपने कर्मों के आधार पर वोट मांगते हैं। सारी बातें कही हैं कि ये चुनाव स्टार प्रचारक माननीय अच्छेलाल कुशवाहा जी प्रदेश के जो उनके प्रभारी दो आदरणीय डॉक्टर घासीराव पटेल, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय पवन कुशवाहा जी, शिव कुमार वर्मा जी आदरणीय पीछे रह गए, पर इस बार साथियों 2024 में, और साथियों अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 1996 में हम लोगों ने लिखा था जो प्रत्याशी जी हैं उनकी लड़ाई ऊपर स्तर की रहेगी, पर हम है कि जहां और जिस दल से लड़ते हैं कभी रुकते नहीं हैं। साथियों हमारे प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी जी
आप लोग मेरे बीच में आए हैं और आप सभी मीडिया बंधु जी, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2003 से समाजवादी पार्टी से। इसके पहले हम लोग राजनीति कांग्रेस के जवान, 2003 में समाजवादी पार्टी से मैं एमएलए बना। आदमी जब एमएलए बनता है तो लोगों की वोट पाके एमएलए बनता है। लोगों को लगता था कि मैं कुछ क्षेत्र के लिए काम करूंगा। अब क्षेत्र के लिए काम कैसे करें जब क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, तीन तीन फीट सड़कें नहीं होती थी। हम बोले थे कि सब सड़कें बनवा डालेंगे। अब जब लड़ाई लड़ना चालू किए तो पता चला कि सही नहीं है नहीं। हम तो बिल्कुल इसी तरह लड़ते भी हैं, हमारे पास सच में नहीं है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना साम है ना दाम है ना दंड है ना भेद है। हम तो पूरा जीवन फकीरी में बिता दिए। जिस दिन राजनीति बंद कर देंगे उस दिन फिर आपको दिखा देंगे कि हम क्या है। अगर राजनीति कर रहे हैं तो बने है ही फकीर, सच में वही हालत है। तो फिर बता इनकम के बारे में तो मीडिया को खोज करना चाहिए। मीडिया वाले ही तो चुप बैठे हैं, खोज के ला दें, हमारा भी कहीं खोज के ला दें कि हम कहाँ गड़बड़े हैं। हमारी भी अपनी धंधा व्यापार कहीं होगी तो बाहर होगी, हमारी भी अपनी प्रॉपर्टी वॉपर्टी होगी तो कहीं बेचे बांधे फिर कुछ करेंगे। तो भैया मेरा एक निवेदन है कि आज तक लोग सवाल क्यों नहीं करते, क्यों इतना कम। मैं किसी को आरोप नहीं लगाता भैया मीडिया वाले, इस विषय में खोजना चाहिए कितनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से, क्या कर रहे हो आप, इनके ऊपर ईडी के छापा क्यों नहीं पड़ रहे। कभी जब होगा तो पड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।